कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अ फाइटर सेज इट ऑल। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ज्योति जी से, जिनकी जिंदगी को देखकर शायद हम और आप समझे कि कुछ कमी है इनकी जिंदगी में, लेकिन ये ऐसा नहीं मानती, न ही इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा होने दिया है या अपनी किसी कमी को हावी होने दिया है। इन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी जिंदा दिली से जिया है। ज्योति जी, कुछ बच्चे हैं जो आपके साथ खूब मस्ती करते होंगे, वो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं। दीदी बुक्स तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखती हैं। इवन जब भी मुझे भी इवन कोई प्रॉब्लम होती है, वो मुझे एग्जाम्स या कोई भी टेस्ट वगैरह होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। वो घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, मतलब आंटी की हेल्प करती हैं, और मैगी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, और इवन इंटीरियर डेकोरेशन एक्सटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा करती हैं। होली में जैसे हम लोग अपना घर डेकोरेट करते हैं, वो पेस्टल कलर बहुत, मतलब उनसे फर्श वगैरह डेकोरेट करना, इवन रंगोली वगैरह बनाना बहुत सुंदर बनाती है। उनकी आर्ट नॉवल सेट की उनकी आर्ट बहुत अच्छी है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि दीदी आप जैसे अभी हो, आप हमेशा ही वैसे रहना, और कभी भी हार मत मानना, और हम सब लोग आपके साथ और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। ज्योति दीदी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और वो मुझे पढ़ाती भी हैं और मेरे साथ खेलती भी हैं, और उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अगर ये प्रॉब्लम मुझे होती तो मैं तो इसको हैंडल नहीं कर पाती, लेकिन दीदी ने जिस तरह से हैंडल करी है बहुत अच्छी बात है, और आंटी भी उनकी बहुत हेल्प करती हैं, और दीदी कभी हिम्मत नहीं हारती, रात को 2-2 बजे तक उठ के भी नॉवेल्स लिखती हैं, बुक्स लिखती हैं। गर्व भी महसूस होता है कि भगवान ने एक कमी दी है तो इसमें कोई कला तो दी है, इसमें कम से कम उसी के सहारे ये जी रही है, ज़िंदगी काट रही है। अंदर से दुख जरूर लगता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम इसको ब्लड चढ़वाते हैं और जब ये सुई लगवाती है तो माँ का दिल तो रोता है अंदर से। आपकी इस तकलीफ और आपके इस गर्व के क्षण में एक शख्स जो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपके पिता, आइए बुला लेते हैं उनको, ओपी अरोड़ा जी को। बहुत बहुत स्वागत है ओपी अरोड़ा जी हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे सामने हैं ज्योति जी, और वो एक फाइटर की तरह हमारे सामने हैं। अरोड़ा जी, एक बेटी तो हमेशा ही लाडली रहती है एक पिता के लिए, लेकिन जब ज्योति की जिंदगी को आप देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? कि शुरू से जब बचपन में थी तो लाइफ के साथ फाइट थी, और अब जैसे जैसे बड़ी होती गई तो अब जिंदगी के साथ में अपने कैरियर के लिए फाइट जारी है। 84 में आलम यह था कि हर हफ्ते 3 दिन में ब्लड कैथ चढ़वाना पड़ता। हालत ये हो गई कि हम लोग इस स्थिति में हो गए कि क्या करें, कुछ कर नहीं सकते थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट PGI, जितनी इंस्टीट्यूट थी सबके पास हम लोग जा चुके थे। सब लोग कहते हैं उस समय इसका स्प्लीन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, करीब कहते 1.5 पेट ऐसा जैसा लगता है कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी हो, जबकि वो बच्ची थी उस समय 7 साल की। तो उस समय फिर कहते ये हम लोग गाजियाबाद, मेरा ट्रांसफ़र हुआ नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में, हम लोग गए वहाँ पे, डॉक्टर अरुण कुमार थे, डॉक्टर भगत थे, उन्होंने बात की कि भाई इसका ऑपरेशन करेंगे। तो मुझे अचंभा हुआ कि इस बारे में कि क्या कहते ऑपरेशन कर पाएंगे, यानी ऐसा संभव है? तो बोले नहीं हम लोग करेंगे। उनकी तरफ से इनकरेजमेंट मिला, हम लोग अपनी तरफ से जितना भी हमसे प्रयास हो सका हम लोगों ने किया, और मैं यानी कि उस क्षण को मिराकल मानता हूँ कि किस तरह से कहते ये निकल कर के आई उस जिंदगी में, जहाँ पे 77 में यानी कि 7 साल की थी, हम लोग करीब 25 दिन कहते हॉस्पिटल में रहे, और इसका ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन जिसमें पूरा इसका स्प्लीन रिमूव हुआ, पूरा पेट कटा हुआ। ये उससे पहले की बात है जब आप लोगों को बताया गया था कि शायद ज्योति अब बहुत दिनों तक नहीं बच पाएगी? यानी कि यही चर्चा कहते उस पर थी, यानी कि दुविधाएं तो बहुत सारी झेली हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि दुविधा में नहीं रहे। आप जो बोल रहे हैं कि एक टाइम था जब शुरू में बात करूं कि जब हमको पता लगा फर्स्ट टाइम कि डायग्नोस हुई थैलेसीमिया, ऐसे बच्चे कहते ज़्यादा दिन
तो मैं अपने आप को ये कहूँ कि नहीं, मेरे दिमाग में ये फोबिया नहीं था कि लड़की है, गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड का फोबिया नहीं था, ऐसा नहीं था। लगा ठीक है भाई, कहते बच्चे होते हैं, चले जाते हैं, चलो ये भी चली जाएगी। एक दफ़ा ये भी आया कि हम लोग इसे ब्लड नहीं चढ़वाते। लेकिन जब फरवरी 77 में बोर्न हुई है, मई 77, फरवरी 78 में, मैं उस समय मथुरा रिफाइनरी में काम करता था। ये कहते अगर टाउनशिप में रह रही थी तो बच्ची, चूँकि कहते जब ब्लड नहीं है तो अब नेचुरली कहते वो चिल्लाएगी, क्राई करेगी, आपको कहते उसको किसी न किसी तरह झेलना है। तो ये लेकर के गोद में लेकर घूम रही थी। इनका भी कहते पहले यही था कि भाई ऐसे बच्चे को कहते कहाँ, कहते लेकर कितना लेकर चले, कहाँ से ब्लड आएगा, क्योंकि ये तो आज कहते हम लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से हमको ब्लड मिल जा रहा है, हम लोग कहते बहुत कहते अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, वरना उस समय तो ब्लड को अरेंज करना और ये सब चीज़ें, कहते हम लोग रिमोट कहते मथुरा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कुछ है, आप सब उस परेशानी को झेल रहे हैं। लेकिन ये चलिए, उस समय फिर जब ये फरवरी में कहते, फरवरी 78 की बात बतला रहा हूँ मैं आपको, तो उस समय जिस समय कहते ये लेकर नीचे झूल रही थी तो देखा एकदम फ्लैट हो गई, आंखें वाँखें पलट गई। फिर उस समय कहते वो डॉक्टर कहते हमारे थे, मेथोडिस्ट हॉस्पिटल वहाँ पे था, उसने कहते बात हुई उनसे, तो वो उसने चूँकि हम लोग एक दो दफ़ा वहाँ से ट्रीटमेंट ले चुके थे, तो उसने वहाँ से फ़ोन किया स्कूटर पे बैठ करके 11 किलोमीटर दूर, कहते ये मिसेस कहते लेकर के गई उन्हें। उस समय मेरी ये हालत थी कि मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, मेरे गले में चुन्नी नहीं थी, मेरे को बिल्कुल होश नहीं रहा, मैंने डॉक्टर के जाके गिर गई। आपको लगा हो कि हमने डॉक्टर ये बोला कि डॉक्टर प्लीज़ इसको बचा लो, तो मतलब मैं इस स्थिति में इसको गोदी में लेके हॉस्पिटल भागी। वो दैट वाज द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे व्हेन वी कहते स्टॉप कहते थे, वो नजारा अदरवाइज दोबारा देखने के लिए नेगेटिव सोचना हमने बंद कर दिया। तब से हम लोगों ने तय किया कि हमसे जो भी बन पड़ेगा, जैसा भी बन पड़ेगा। उस समय सबसे ज्यादा उससे अटैचमेंट महसूस किया होगा, ज्योति की जिंदगी की क्या अहमियत है उस समय आपने महसूस की होगी, यानी कि हम बयां नहीं कर सकते उस बात को, कहते किस तरह से कहते हम लोगों ने उस पल को झेला है, और उसके बाद से हमने कहते अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य बना लिया कि भाई अगर हम लोग कहते जो भी हमसे बन पड़ेगा अपने बलबूते से, अपने से बियॉन्ड जा कर के भी हम लोग करेंगे। ज्योति चलते चलते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कोई भगवान ने जो भी आपको दुख तकलीफ दी है उसको ऊपर ध्यान लगाने की बजाय आप इस बात पर ध्यान लगाए कि आप क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ हो सकता है, आप बहुत सारी चीज़ें ना कर पाए, मगर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आप दूसरों से बेहतर कर सकें, तो उस बात पर ध्यान लगाइए ताकि मतलब जो दुख तकलीफ है उससे ध्यान हटे और आप कुछ कामयाबी की तरफ बढ़ पाए। जिंदगी में एक अच्छा ख्वाब जरूर देखिए, अच्छा ध्येय बनाए और उसे एक ना एक सपना होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के, अ फाइटर सेज इट ऑल, और ज्योति ने ये कर दिखाया है। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे एक और फाइटर की दास्तान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के, पल्स वेव की प्रस्तुति